ये नथिंग का दूसरा फोन है तो फिर ये 50% महंगा क्यों है? इसका काफी सिंपल रीजन है, मैं बताता हूं। तो गाइस ऐसा है, नथिंग फोन 2 में है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप जो काफी पावरफुल और काफी एफिशिएंट चिप है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में और फोन्स देखें जिसमें ये चिप है तो आप देखेंगे कि ज्यादातर फोन एक्चुअली नथिंग फोन 2 से महंगे हैं और जो सस्ते हैं भी वो बचे वन प्लस 11R और iQOO Neo 7 Pro। और इन फोन्स में कुछ भी यूनिक फीचर नहीं है, ना ही ग्लिफ इंटरफेस है, ना ही ट्रांसपेरेंट डिजाइन है और शायद इसीलिए वो थोड़े सस्ते हैं भी। लेकिन फिर अगर थोड़े ही पैसे और खर्च करके आपको एक यूनिकली डिजाइन फोन मिल रहा है जिसमें काफी डिफरेंट यूनिक फीचर्स हैं तो क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले मैं वो डिफरेंट फीचर्स की बात करूं, इसके डिजाइन को लेके थोड़े इश्यूज हैं, वो मेरे को आपको बताने हैं। देखो गाइस साफ सी बात है, इस प्राइस सेगमेंट में इतना गुड लुकिंग और यूनिकली डिजाइन फोन तो शायद ही मिलेगा आपको। आगे पीछे दोनों ग्लास हैं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, IP54 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है, तो ऑब्वियसली कुछ हद तक ये ड्यूरेबल भी है। और फिर इसका डिजाइन भी काफी मॉडर्न है, मतलब फ्लैट स्क्रीन है, रेक्टेंगुलर फ्लैट एजेस हैं, बटन्स भी काफी अच्छे और वाइड हैं। और इतना बड़ा डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। लेकिन गाइस डिजाइन सिर्फ लुक्स की बात नहीं होती है, थोड़ा यूजेबिलिटी को भी देखना पड़ता है। और सबसे पहली चीज ना इसकी विड्थ को लेकर है, मतलब ठीक है मेरे लेस देन एवरेज डिफरेंट क्या कहूँ मैं इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी विड्थ को लेकर है, ये काफी चौड़ा है। अब ठीक है मेरे हाथ एवरेज साइज से छोटे जरूर होंगे लेकिन मैंने काफी फोन्स पकड़े हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा फील होता है मेरे को। इनफैक्ट ये आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा वाइड है तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है ग्लास, और ग्लास आपको पता है ओवर टाइम उसकी शाइन भी कम होती है, स्क्रैचेस भी हो जाते हैं, तो ये जितना अच्छा अभी दिख रहा है ये शायद इतना अच्छा दिखता नहीं रहेगा। और फिर आप क्या करोगे, इस पर आप केस लगाओगे इस पे। तीसरा इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है कुछ ज्यादा ही नीचे है, आइडियली ये यहाँ होना चाहिए था एक नेचुरल स्पॉट पे, बट ठीक है इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। हाँ लेकिन काम एकदम मस्त करता है। और चौथी बात, खास करके इंडियन ऑडियंस के लिए जिन्होंने इंडिया से ही फोन लिया है, आपको एक इंडियन सिम कार्ड जो चलता हुआ सिम कार्ड डालना पड़ेगा इस फोन को सेटअप करने के लिए, मतलब अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं होगा आप इसको सेटअप भी नहीं कर पाओगे। और पांचवी चीज, इसमें USB 2 है, मतलब 2023 के लिए और इस प्राइस पॉइंट के लिए काफी स्लो है बट ठीक है। वैसे फ्रेंकली गाइज इनमें से कोई भी डिजाइन इश्यूज जो मैंने बताए कोई भी डील ब्रेकर नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। चलिए अब इस फोन के सारी अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं जिससे ये फोन सही में बाकी एंड्रॉइड फोन से एकदम अलग है। देखो गाइज वैसे इसमें नथिंग ओएस 2.0 चल रहा है जो है एंड्रॉइड 13 पे ही बेस्ड, और आप ये सोच सकते हैं कि अगर एंड्रॉइड 13 ही है तो फिर किसी और फोन को क्यों ना लिया जाए। लेकिन नथिंग फोन में आपको ऐसी फंक्शनैलिटीज और कस्टमाइजेशन मिलती हैं जो आपको किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे नहीं मिलेगी, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन पे विजेट्स प्लेस कर सकते हैं और एक पूरी नेटिव विजेट्स की लाइब्रेरी है जिसमें आप चूज करके इस ग्रिड के अंदर डाल सकते हैं। वैसे रिसेंटली ये लॉक स्क्रीन विजेट्स का कॉन्सेप्ट iOS ने लॉन्च किया था, तो बेसिकली नथिंग ने iOS का एक अच्छा फीचर लिया और एंड्रॉइड पे गिरा दिया और ये आपको किसी भी और एंड्रॉइड फोन पे नहीं मिलेगा। एंड बाय द वे ये विजेट्स जो हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी अडेप्ट हो जाते हैं। अच्छा आप फोल्डर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स दे सकते हैं और उसका जो कवर है उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअल ऐप आइकन्स को होम स्क्रीन पे बड़ा छोटा कर सकते हैं और वो अजीब भी लगता है क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आप अलग अलग सिस्टम सेटिंग्स को सिंपली एक विजेट की तरह होम स्क्रीन पे ही प्लेस कर सकते हैं। और गाइज नथिंग ओएस 2.0 के यही यूनिक चीज़ें आपको ना हर जगह देखने को मिलेंगी, तो चाहे वो विजेट्स हो या वो वॉल्यूम स्लाइडर हो या वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो या वो ब्राइटनेस बार ही हो, यहाँ तक कि वेदर ऐप में भी आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। और तो और नथिंग वालों ने इसमें साउंड इफेक्ट्स भी प्रॉपर दिए हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस नथिंग वाला रहे। और देखो यार यही चीजें हैं जो आपको किसी भी और फोन पे इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलेगी, चाहे वो सस्ते वाले iQOO Neo 7 Pro या OnePlus 11R हो या महंगे वाले OnePlus 10T हो। और भले ही इन सब में Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप मिल जाएगा लेकिन फिर आपको ये यूनिक फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार मैं तो कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर जैसे नोवा लॉन्चर और फिर KWGT विजेट्स और फिर कोई ऐप आइकन पैक डाल के इस तरह का बना लूंगा। कुछ कुछ बना लोगे लेकिन जो डीप रूटेड एक्सपीरियंस है
उस नेटिव एक्सपीरियंस को आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे किसी भी फोन पे। और एक मिनट, अभी तो और भी चीजें जो मैंने बताई नहीं आपको, जैसे इस सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करने पे पूरी ग्लिफ लाइट्स एक सॉफ्ट टॉर्च बन जाती हैं। अगर कोई टाइमर चल रहा है तो उसका प्रोग्रेस यहाँ दिखता है। वॉल्यूम को ऊपर नीचे करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी, और यहाँ तक कि आपका ऊबर या जोमेटो ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा वो भी बता देगा। फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट ऐप से नोटिफिकेशन आए तो एक एसेंशियल ग्लिफ LED उसके लिए भी है, और ऐसी बहुत चीजें हैं। वैसे बैड न्यूज ये है कि जितने भी कूल फीचर्स है ना, ये आपको स्टार्टिंग में ज्यादा कूल लगेंगे और कुछ टाइम बाद आप इनको शायद भूल भी जाओ। गुड न्यूज ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए ये फीचर्स फिर भी कूल रहेंगे। वैसे कुछ अजीब चीजें भी हैं, जैसे बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो फुल स्क्रीन या फुल क्वालिटी पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरी चीज, नथिंग फोन 2 के हैप्टिक्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। आप ये सुनिए, मतलब इसको ना मैं कम नहीं कर सकता, या तो ये ऑफ हो जाएंगे या ऑन हो जाएंगे। इसका जो स्क्रीन ओरिएंटेशन भी है ना, बहुत जल्दी रोटेट हो जाता है। मतलब मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ये हो जाता है। वैसे नथिंग वालों ने ग्लिफ कंपोजर के अराउंड काफी हाइप क्रिएट की है। पहली बात, आपको ये ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आप इसको अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि अनलेस आप कोई जीनियस म्यूजिशियन है जो रोबोटिक टोन्स को यूज करके कोई मेलोडी क्रिएट कर सकता है तो वही फायदा है, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नथिंग फोन पे आपको 3 साल का एंड्रॉयड अपग्रेड मिलेगा और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो एंड्रॉयड 16 तक तो आप सॉर्टेड हैं, तो 3 से 4 साल तक तो बड़े आराम से चलेगा। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि वैसे भी बता दिया मैंने आपको कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप है, जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिप था। तो इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी है। वैसे इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, और आप अपनी स्टोरेज के हिसाब से लेना क्योंकि इसमें आप बाद में स्टोरेज बढ़ा नहीं पाओगे। बट इसकी जो स्मूथनेस है ना, वो सही में बहुत ही अच्छी है। मतलब बाकी एंड्रॉयड फोन्स में मैंने इस तरह की स्मूथनेस इस प्राइस सेगमेंट में तो डेफिनेटली नहीं देखी। और गेमिंग करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लैग नहीं, और कोई मेजर हीटिंग भी नहीं। और क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पावर डिलीवरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अपग्रेड हुआ है एज़ कम्पेयर टू फोन 1। जैसे इसकी बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh से 4700 mAh हो गई है, और जो इसकी चार्जिंग की पीक स्पीड्स है वो 30 वॉट से अब 45 वॉट तक हो चुकी है। तो जैसे मैंने बोला गाइस, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, फास्टर चार्जिंग है, और ये सब एक ज़्यादा पावर एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 पे है। तो डेफिनेटली इसकी बैटरी परफॉर्मेंस नथिंग फोन 1 से तो बेटर है। लेकिन हाँ, ये फिर भी आपको चलेगा बस पूरा दिन ही, रात तक ख़त्म और आपको चार्ज करना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करते हैं तो ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। खैर, अब बात करते हैं कैमरास की। तो इसमें है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, लेकिन अपग्रेडेड है क्योंकि इसमें सोनी IMX890 यूज़ किया है। फिर इसमें है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। हाँ, सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो वो 12 मेगापिक्सल पे सेट है, लेकिन इसको आप 50 मेगापिक्सल कर सकते हैं। तो गाइस, ये है कुछ सैंपल्स जो मैंने प्राइमरी कैमरा से लिए हैं 12 मेगापिक्सल मोड पे, और वैसे आपको देखने में ये शायद ठीक लगेंगी। मतलब मैं ये कहूँगा इसका कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वाइब्रेंसी सब थोड़े हायर लेवल पे हैं, और अगर आपको उस तरह की फ़ोटोज़ पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। लेकिन मेरे लिए पर्सनली, मेरा ये प्रेफरेंस नहीं रहता है कि मैं इतनी सैचुरेटेड और कॉन्ट्रास्ट फ़ोटोज़ लूँ, तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो सकता था। और इसमें अगर आप डिटेल्स भी देखें तो काफ़ी कम लगी। अच्छा, अगर इंडोर फोटोज़ की बात करें तो ये शायद थोड़ी बेटर आई है। मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट इतना हाई नहीं है, डायनामिक रेंज भी अच्छी है, और कलर्स भी ठीक ठाक कैप्चर किए हैं। इनफैक्ट अगर लो लाइट की भी बात करें, अगर लाइटिंग अंदर अच्छी है या आसपास अच्छी है तो फोटोज़ ठीक आएंगी, लेकिन कभी कभी स्काई में काफ़ी नॉइज़ आ जाती है, अगर आप यहाँ पे भी देखें। और ख़ास करके ये वाली फ़ोटो, अगर सब्जेक्ट को देखें तो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप स्काई देखेंगे आप समझ जाएंगे कितनी नॉइज़ है। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ की, और ना काफ़ी डिस्टॉर्टेड लग रही है मेरे को। मतलब जनरली जो अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ होती हैं इतनी डिस्टॉर्टेड नहीं होती हैं, डायनामिक रेंज भी कुछ खास बेटर नहीं है प्राइमरी से। और एक और चीज़ जो अजीब लगी मुझे वो ये थी कि इसमें ना वाइट बैलेंस थोड़ा कोल्ड टोन की तरफ है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो की जो नेचुरल नेचर थी ना, वो उसने काफ़ी चेंज कर दी। अब आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, तो मिक्स था ये, कभी अच्छी लेता था कभी बिल्कुल नहीं लेता था। तो ये फ़ोटोज़ तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये वाली फ़ोटो देखें, इसमें ये जो जिंजर ब्रेड वाली कैट है ना, ये होनी चाहिए थी फोकस पे, इसको समझना चाहिए था कि ये इसी कप का पार्ट है, लेकिन नहीं कर पाया। यहाँ पे फायर हाइड्रेंट फोकस में ही नहीं है, जबकि मैं इस पर टैप भी कर रहा था ताकि उसको समझ आ जाए, और ये इसको समझ ही नहीं आया कि फोकस कहाँ करना है। वही सेम गाना सेल्फीज़ को लेकर भी है। वैसे अगर देखी जाए ये अच्छी वाली सेल्फीज़ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखो इसमें मजेंटा हो गया तो फिर थोड़ा अजीब लगने लगा। लो लाइट में
पता नहीं क्यों इसने मेरे को काफी पीला कर दिया। जबकि अगर मैं बताऊं आपको, इसमें जो लाइट थी मेरे आसपास वो सफेद थी, पीली नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जिसमें आपको लाइट दिखेगी। देखो लाइट राइट साइड पे वाइट लाइट है और यहाँ पे अच्छी आई है फोटो पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन फिर जब मैं घूम जाता था तो उसने फिर पीला कर दिया मुझे। और पोर्ट्रेट मोड की बात कर ही रहे हैं तो ये फोटो आई थिंक बेस्ट आई मेरी। ये वाली भी ठीक है, थोड़ी ड्रामेटिक है लेकिन अच्छी लगी। लेकिन आप यहाँ देखिए मेरे कान के पास, उसने डिटेक्शन ठीक नहीं की। तो वही है, कभी अच्छी कभी बुरी। वैसे कैमरा सॉफ्टवेयर में आपको और भी कुछ मोड्स मिल जाते हैं, इसमें एक्सपर्ट या मैनुअल मोड भी है तो दैट इज़ ग्रेट। रॉ मोड भी है, तो अगर आपको 50 मेगापिक्सल डिटेल लेनी है कर सकते हैं। वीडियो ये 4K अप टू 60 FPS तक सपोर्ट करता है, तो दैट इज़ ग्रेट। और वीडियो के मामले में कुछ एक्स्ट्रा मोड्स भी हैं, जैसे एक्शन मोड है फॉर वेरी स्टेबल शॉट्स, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक 4K 30 FPS पे मैंने आपके लिए वीडियो सैंपल लिया है। फोकस काफ़ी अच्छा करता है, इसकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी ठीक ठीक काम करती है, लेकिन फिर वही काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल वाइब्रेंट, इतना नेचुरल ये लगता नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से देखो सेंसर अच्छा है, बाकी कैमराज में भी यूज़, बाकी स्मार्टफोन कैमराज में भी यूज़ होता है, तो अगर नथिंग इसको ऑप्टिमाइज करे थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो ये कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो गाइज फाइनल नथिंग फोन 2 के बारे में मैं ये बोलूंगा कि काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है और इन्होंने इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी एनहांस कर दिया है। इसमें नथिंग OS 2 आ गया है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप है जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था, और ये आपको एंड्रॉयड 16 तक का इसमें अपग्रेड भी देंगे। और गाइज मानो या ना मानो, इट इज़ डेफिनेटली अ हेड टर्नर। मतलब इसको अगर आप टेबल पे रखेंगे तो चार लोग आसपास बोलेंगे ज़रूर कि यार ये है कौन सा फ़ोन, तो डेफिनेटली एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी है। लेकिन देखो गाइज थोड़े फ्लॉज भी हैं, कैमराज डिसेंट है, कोई बहुत ग्रेट है नहीं, ग्लास है, ओवर टाइम गंदा होगा, फोन का लुक खराब होगा, केस लगाने का कोई पॉइंट बनेगा नहीं क्योंकि पैसे यूज कर दिए थे आपने। और फिर ग्लिफ इंटरफेस जैसी चीजें जो मुझे लगता है, ठीक है आप में से काफी लोग उसको शायद कंटिन्यूसली यूज करे, बट मुझ जैसा बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और मैं शायद उसके बारे में भूल भी जाऊंगा, अनलेस नथिंग वाले इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट लेके आते हैं जिससे इसमें और भी पर्पज आ जाता है, बट वो कब आएगा पता नहीं। लेकिन अगर आप इन इश्यूज को साइड कर दें तो इस प्राइस पे ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो डिजाइन एक्सपीरियंस दे रहा है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहा है, आई थिंक कोई और फोन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में जो आपको इस तरह की चीज दे सकता है, तो उस हिसाब से ब्रिलियंट फोन। खैर अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रह गए हों जो मैंने आंसर ना किया इस रिव्यू में, आप डेफिनेटली मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, 100% आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन को मार्क करके ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो चढ़ेगी और आपको पता चलेगा। मिलते हैं।